अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब, फिर आंसर राइटिंग कब करोगे, फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस एक मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। जब तुम ध्यान करोगे तो ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, ये बढ़ने लगेंगी, तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। एक ऐसा जन्म देता है जिसके बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए गुरु को पूर्ण मां कहा गया। इसीलिए इस्लाम रिबर्थ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जिसके पास ईमान आ गया, चैतन्य आ गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अब ये कन्वर्जन कैसे करोगे? और ये जिसके पास है, तुम तैयारी कर रहे हो आईएस की और पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराइयां करते जा रहे हैं और तुम क्रोध में आते जा रहे हो। तुमको पता चला कह रहे बड़े वाले मामा कह रहे थे कि कलेक्टर बने गए, देख लेंगे, तुम उबल गए। तुम्हारे क्लास में लड़की पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती, तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। क्रोध, जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। और ये जिंदगी भर कारण और कारण इन्हें ढूंढना नहीं है, मेहनत इन्हें करना नहीं है। तो ये गुरु क्या करेगा, तुम्हें दीक्षा देगा, और दीक्षा देके तुम्हें कहेगा कि भैया, हां आपने बोला हां, बोले भैया ध्यान करो। तो गुरु शुरू में क्या करता है कि आपसे कहेगा एक घंटा बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। नर्सरी में आओगे ना तुम, शुरू में ट्वेल्थ में कूद जाना चाहते हो, हर चीज का नर्सरी है, बिगिनिंग, फिर क्लास ट्वेल्थ है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। कुछ लोग ध्यान शुरू करते हैं, कहते हैं यार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, 20 साल से तुम्हारा मन तुम पर शासन किया है, एक दिन में देख लोगे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ, और क्या बता रहे थे, बड़ी वाली बुआ और वो कानपुर वाले मामा के बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली, उनके बारे में नहीं बताओगे? तो तुम देखना, विचार तुरंत गायब हो जाएगा। जब तुम दबाते हो किसी चीज को तब वो बढ़ती है, जब तुम देखते हो तो वो घटती है। अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब, फिर आंसर राइटिंग कब करोगे, फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस एक मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। जैसे ये बम्बार्डमेंट करे बस आंख बंद कर लो, तुम क्या करते हो, तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो, तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच हो गए, वैसे क्या होगा, चेन रिएक्शन बनेगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही विचार उठे तुम्हें आंख बंद कर लेनी। अब गाड़ी चलाते वक्त बंद कर लेना, पता गाड़ी चला रहे कोई विचार आ गया, आंख बंद कर लिए, सब चला गया। जब तुम स्टैटिक हो, बैठे हुए हो, कहीं विचार आया तुम उसे देख लो, बस देख लो और मजा लो, तुरंत आंख बंद करो तुरंत। इस्लाम 5 वक्त नमाज की बात करता है, यानी 5 बार ध्यान, और जो आदमी एक बार ध्यान करता है दिन में वो महान बन जाता है, 5 बार। तो जब तुम ध्यान करोगे तो क्या होगा, जब तुम ध्यान करोगे तो ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी।
जब ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, ये बढ़ने लगेंगी, तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। मौके पे आएगा, ध्यानी मौके पे क्रोध करता है, मौके पे। कृष्ण ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में, गांधी जी ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में 1942 में, खत्म नहीं होगा। वो जो तुम स्त्री को घूरते हो ना पूरी बॉडी का, उसको एक्सरे करते हो, वो खत्म हो जाएगा, पर वो आकर्षित तुम्हें तब भी करेगी, लेकिन पॉजिटिवली। और जब ये चीजें बढ़ने लगेंगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अचीवमेंट शुरू हो जाएगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है।